मशीन होती हैवी ड्यूटी जो मशीन होती है उसमें ऐसे कौन से मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि इस मशीन को हैवी बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन दबा दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसमें से कौन से न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस मशीन को हैवी बनाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ आप मशीन का कोड देख रहे होंगे IR3245 जो कि कैनन मशीन है, IR3245। ठीक है, तो देखिए चलो चलते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी डिस्प्ले पर, इसके डिस्प्ले के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन होता है एक्सप्रेस कॉपी, तो यहाँ से आप जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब डिस्प्ले पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी ऑप्शंस जो होते हैं वो सब मशीन में डिस्प्ले में दिखते हैं। जैसे कि हम कॉपी में देखते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ से ऑप्शन ओपन करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से मशीन को हमने ओपन किया या ये वाला ऑप्शन ओपन किया, लेकिन इसमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक्सप्रेस में डायरेक्टली आप यहाँ से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे की में अगर देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन है टोन वाला, टोन जो आप अदरवाइज मशीनों देखेंगे तो वो ऑप्शन में जाके मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका सीधा इसका एक कीज होता है अलग से। तो देखिए यहाँ से कीज वाले ऑप्शन को आराम से हम ओपन करेंगे तो हमें देखना है कि कौन कौन सी हमें टोन रखनी है, किसके लिए टोन रखनी है या साइलेंट रखनी है। एंट्री टोन अगर इस पर ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इनवैलिड एंट्री टोन, इनवैलिड एंट्री टोन को ऑफ कर देंगे। अगर हमने इनवैलिड किया है तो यहाँ से टोन बोल जाएगी, इसे यहाँ से बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एरर टोन, अगर आपकी मशीन को दिक्कत होगी एरर आएगा तो यहाँ से टोन ऑन है, यहाँ से टोन आपको इंडिकेट करेगा तो यहाँ से ऑफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ से ओपन ऑन रखते हैं। जॉब डन टोन, जैसे आपके पूरे पेपर प्रिंट होकर निकल जाएंगे तो यहाँ से आपको इंडिकेट कर देगी, पी की आवाज़ आएगी। ठीक है, यहाँ से ऑफ हो जाएगी और यहाँ से ऑन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये तो हो गया कीपैड में जाके। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर। देखिए इसकी जो लेजर इसका जो स्कैनर होता है, स्कैनर देखिए कुछ इस तरह से होता है, इसमें डबल लाइट होती है जो उसको PCL बोलते हैं, PCL ये इसमें डबल होती है PCL। ठीक है, एक ये और एक ये वाला, इसमें डबल PCL होता है, अदरवाइज मशीन देखोगे तो उसमें केवल एक ही PCL होती है, लेकिन इसमें डबल PCL होता है। ठीक है, इसके अंदर जो खाली जगह दिख रही है इसके अंदर लेंस होता है इसमें। ठीक है, इसमें लेंस होता है। इसमें एक खास और बात है, अगर आप अदरवाइज मशीन में देखोगे तो केवल एक ही आपको रॉड दिखेगी ये वाली, जो कि इसको PCL को चलाता है, लेकिन इसमें आपको देखिए डबल रॉड दिखेगी। एक रॉड ये रही, देखिए दिखा देता हूँ, एक रॉड ये रही और एक रॉड ये रही, और इन दोनों रॉडों का मतलब होता है कि PCL जो लाइट होती है, ये स्कैनर होता है, इसको बराबर साथ में लेकर चलना इस तरह से। ठीक है, बराबर। और देखिए यहाँ पर आप अदरवाइज मशीनें देखोगे तो यहाँ पर एक आपको बोर्ड दिखेगा, लेकिन इसमें कोई बोर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली केवल पट्टे से और एक मेन बोर्ड के लिए पट्टा गया है डायरेक्ट, इसमें कोई इसके लिए अलग से बोर्ड नहीं है। ठीक है, इसमें ये वाला एक मैन्युफैक्चर बहुत बढ़िया है, इसमें कोई बोर्ड नहीं, बोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली पट्टे से कनेक्ट हुआ है डायरेक्ट मेन बोर्ड के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एड। तो देखिए दोस्तों जाता है ADF का पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, ADF का पीछे का ये होता है इसका कनेक्टर, अगर आप यहाँ से इसको निकाल देंगे तो इसका कनेक्टर हट जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए छोटा सा एक लॉक होता है इसके नीचे, ये वाला, ये इसके नीचे जो दिख रहा है ये लॉक होता है ये वाला। ठीक है, इसको उंगली से इस तरह से थोड़ा दबा के अंगूठे से और इसको बाहर खींचेंगे तो इसका ये कनेक्टर हट गया। ठीक है, ये ADF का कनेक्टर यहाँ से हट गया, यहाँ से आप ADF के कनेक्टर को हटा सकते हैं और ऐसे ही इसे यहाँ से इस तरह से प्रेस करके लग जाएगा। ठीक है, अब मशीन के अंदर चलते हैं। देखिए ये मशीन का पीछे का बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से आप मशीन को ऑफ भी कर सकते हैं, ये वाला बटन जो दिख रहा है यहाँ से मशीन ऑफ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऑन हो जाती है। ठीक है, ये बोर्ड होता है, बोर्ड मशीन के अंदर जो बोर्ड होता है ये बोर्ड का कनेक्टर है। ठीक है, बोर्ड का कनेक्टर नहीं, ये होता है जो नीचे की दो ट्रे होती हैं, नीचे की जो दो ट्रे होती हैं उनको ये कनेक्ट करता है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही इसको यहाँ से ये वाला लॉक होता है इसका, इसको इस तरह प्रेस करके बाहर खींचेंगे तो इसका ये कनेक्टर हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे हटा सकते हैं।
और ऐसे ही से लगा सकते हैं। देखिए लग गया, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं और ऐसे दबा के इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मदरबोर्ड, हार्डबोर्ड और हार्ड डिस्क और रैम। तो देखिए ये होता है इसका मेन बोर्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ये मेन बोर्ड होता है। मेन बोर्ड में देखिए ये होता है इसका मदरबोर्ड, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये इसका मदरबोर्ड होता है और ये होती है इसकी हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है दोस्तों, देखिए दिखा दूँ, ये हार्ड डिस्क होती है ये वाली, जहाँ से आप देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क इसकी, ठीक है। और इसकी रैम, रैम ये वाली रैम, ठीक है, ये रैम होती है इसकी, ठीक है, देखिए दिखा दूँ, ये तो हार्ड डिस्क, ये रैम, इसका मदरबोर्ड, ठीक है, देखिए ये वाला, तो ये इसके कनेक्टर होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो कनेक्टर कितने हैवी कनेक्टर दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी हैवी ड्यूटी मशीन है ये, इसमें कोई ज़्यादा इतना झंझट भी नहीं है जो अदरवाइज मशीनों में आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये होता है इसका एक और मेन बोर्ड, देखिए ये मेन बोर्ड होता है इसका, ये IPP बोर्ड होता है ये वाला, और ये मेन बोर्ड होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसके कनेक्टर लगे हुए हैं मेन बोर्ड के, जो कि पूरी मशीन को कनेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ से पूरी मशीन कनेक्ट होती है। हाँ तो दोस्तों देखिए अब देखते हैं, ये होती है मोटर, जो कि हमारी क्या कहते हैं DP ड्रम को घुमाती है, DP और ड्रम यूनिट जो होती है जो प्रिंट करता है, और जो DP जो कि इंक होती है DP में, ठीक है, DP उसी को बोलते हैं, इसमें इंक भरी होती है, उसको ये घुमाता है, ठीक है, उसको ये रोटेट करता है, DP और ड्रम यूनिट दोनों को रोटेट करता है, घुमाता है, ठीक है, ये होती है इसकी पावर सप्लाई, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी पूरी पावर सप्लाई होती है, ठीक है, ये पूरी पावर सप्लाई देखिए। और इसके बाद में ये बोर्ड जो होते हैं ये आपके फैक्स वगैरह को जोड़ते हैं, फैक्स को कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाले बोर्ड, ये इसके काउंटिंग बोर्ड होते हैं, ठीक है, काउंटिंग बोर्ड, ये वाला छोटा वाला काउंटिंग बोर्ड होता है, और ये भी पावर सप्लाई बोर्ड होता है सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी मशीन को देख सकते हैं, इसमें कितने अच्छे अच्छे पार्ट्स दिए गए हैं जो कि हैवी ड्यूटी में होते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक